गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संडे इज फंडे में प्रदीप जी और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। घर से पढ़ाओ ज्ञान के तहत हर संडे कुछ ना कुछ जो मनोरंजन गतिविधियां तो खेल खेल से संबंधित है, खेल खेल में शिक्षा से संबंधित है वो आपको दे रहे हैं। और एक गेम और लेकर आपके बीच में आए हैं प्रदीप जी से, मैं इस गेम के बारे में बताता हूँ इनको करना क्या है। प्रदीप जी, हमारे पास ये नौ बिंदु है, नौ बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको एक बार चौक किसी एक बिंदु पे रख लेना है या किसी भी एक जगह पे रख लेना है, और वहां से शुरुआत करते हुए आपको चार रेखाखंड या चार रेखाएं बनानी है बिना चौक को उठाए, जिससे कि नौ के नौ बिंदु कवर हो जाए। अच्छा, हाँ, आप करके देखें, आप भी अपना कॉपी पेन निकालें और करके देखें। चार रेखाखंडों में या रेखाओं में इन नौ के नौ बिंदुओं को कवर करना है और आपकी पेंसिल पेन या चौक उठनी नहीं चाहिए। एक बार जहां लगी वहां से स्टार्ट करके आप यहां से आने ले जाएंगे तो एक हो गई, यहां से आने दो तीन चार, जिस प्रकार भी आप चार रेखाओं में या रेखाखंडों में इन नौ बिंदुओं को कवर करके देखिए। जल्दी कीजिए, हल तो भी बताई देंगे हम आपको। अभी और करके देख लो, आपके पास वो तरीके भी हो सकते हैं इसको करने के, आप हल्के हल्के से हाथों से इसको कर भी सकते हैं। ये देखिए और देखिए, थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए, सोच को बढ़ाइए, और सोच बढ़ेगी तो ये कवर हो जाएंगे। दायरा बढ़ाना है, सोचना है, हमने रेखाखंड बोला है, हमने किरण बोला है, हमने रेखा भी बोला है, और बिंदु यही कवर करने। प्रश्न आपके पास ब्लैक बोर्ड है, नहीं होता, चलो बता देते हैं इसको, नहीं होता, बच गया ना, बच जाता है, चलो बता देते हैं, बता दें जी, ठीक रहेगा जी सर। एक दो तीन चार, मैंने कहा था सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, थोड़ा दायरा बढ़ाए, दायरा ही तो बढ़ाना था यहाँ से यहाँ तक का, चलो, और यहाँ से लेकिन आगे की सोच सोच के लिए वो थी दूसरी रेखा बढ़ा दो, नहीं तो उस आइडिया में वो सोच ही इस प्रकार से आपको बोला गया है। तो इस प्रकार से चार के चार रेखाखंडों में हमारे पास ये नौ के नौ बिंदु कवर हो गए। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। ये प्रदीप जी सही बनाया इसके बाद, मतलब सोच को थोड़ा बढ़ाइए तो आपके पास पढ़ाई भी और ज्ञान भी बहुत सारा बढ़ेगा। तो एक बार फिर से आशा है कि आपको मजा आया होगा, क्योंकि संडे इज फंडे।